हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बार से रिलेटेड। बार को सॉल्व करना एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन टेस्ट में, किस बार की वैल्यू क्या होगी और वो शॉर्टकट तरीके से हमें बताना होता है। हम पूरा सॉल्व करके नहीं बता सकते हैं, तो आज इसके सिर्फ दो या तीन में रूल बताऊंगी जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे जितने भी तरीके के आपके बार होते हैं उन सबको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो स्टेप वन क्या है कि सबसे पहले आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको देखना है कितने नंबर पर बार है, कितने नंबर पर बार है। इस क्वेश्चन में आई देखो आप कितने नंबर पे बार है, वन नंबर पे, तो डिनोमिनेटर में वन नाइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद क्या नंबर है उस पे आ जाएगा सेवन, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पे देखिए, सेकेंड में आप देखिए कितने नंबर पर बार है, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो नंबर आपके नीचे आ जाएंगे। और पॉइंट से इधर कितने नंबरों पे बार नहीं है, दो नंबरों पे बार नहीं है, तो यहाँ पे दो जीरो आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद ऊपर क्या आएगा, सेवन माइनस जितनों पे बार नहीं है, पहले टोटल नंबर फिर जितनों पे बार नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन अपॉन नाइन जीरो जीरो। नेक्स्ट है, अब ध्यान से देखना कितनों के ऊपर बार है, टू नंबर पे बार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, टू नाइन आ जाएगा। और कितनों पे बार नहीं है, वन पे बार नहीं है, एक नंबर पे, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो वहां पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट के बाद इधर नंबर होते हैं उस पूरे नंबर को हम लिखते हैं 107 माइनस वो करते हैं जिसपे बार नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 106 अपॉन 990। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेम रूल है, कितनों पे बार है, वन पे, तो 19 आ जाएगा। कितनों पे बार नहीं है, थ्री पे बार नहीं है, थ्री डिजिट्स पे बार नहीं है, तो 30 आ जाएगा, पूरे का पूरा पॉइंट का इधर का नंबर उतर जाएगा। और माइनस जितनों पे बार नहीं है, मतलब कि जितनों पे आपका बार नहीं है वो पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जितने नंबर पे बार है, दो नंबर पे दो नाइन, एक नंबर पे एक नाइन। ठीक है, और आगे कितनों नंबर पे नहीं है तो उतनी जीरो आ जाएंगी, कितने नंबर पे नहीं है उतनी जीरो आएंगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट के इधर का पूरा नंबर लिखना है माइनस जितनों पे बार नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कितनों पे बार है, थ्री पे, तो थ्री बार टाइम्स नाइन आ जाएगा, कितनों पे बार नहीं है, वन जीरो आएगा। इसके बाद टोटल नंबर, पूरा पॉइंट के इधर का नंबर लिखेंगे माइनस, इसके बाद क्या आएगा, माइनस, और माइनस के बाद क्या आएगा, कितनों पे बार नहीं है, वन पे बार नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जब पॉइंट के इधर कोई नंबर होता है तो उसको वन प्लस किया जाता है। ठीक है, वन प्लस करने के बाद आपको वही रूल फॉलो करना होता है, कितने नंबर पर बार है, टू नंबर पर, कितने पे बार नहीं है पॉइंट के बाद, एक नंबर पे, फिर पूरा पॉइंट के बाद का नंबर आपको उतार लेना है, और उतार लेने के बाद आपको क्या माइनस करना है, जिस नंबर पर बार नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये आपने सॉल्व किया तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसका क्या होगा, वन 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 अपॉन नाइन जीरो जीरो जीरो। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो वन टू थ्री थ्री अपॉन नाइन 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 जीरो, इसको आप सॉल्व करोगे तो वन प्लस फाइव सेवन थ्री अपॉन नाइन नाइन जीरो, और इसका जो है एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा नाइन नाइन जीरो प्लस थ्री सेवन फाइव इज इक्वल टू नाइन नाइन जीरो फाइव सिक्स वन कैरी ओवर थर्टीन, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप बार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फटाक से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कितने नंबर पर बार है, कितने नंबर पर बार है उतनी आपको नाइन लिखने हैं डिनोमिनेटर में, और कितनों पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उस पे आपको जीरो लगाना है। फिर आपको पूरा नंबर लिखना है और माइनस पे जिसपे जितनों नंबर पर बार नहीं है वो माइनस करना है। ठीक है, अगर आपके पास पॉइंट से इधर कुछ नंबर आ जाता है जैसे वन है, तो वन प्लस ये पूरे का नंबर में देखिए आप कितने पे बार है, डबल नाइन, क्योंकि दो पे बार है, कितनों पे नहीं है, वन पे नहीं है, तो वन जीरो, फिर ये पूरा नंबर माइनस कितने पे बार नहीं है, और इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।